पनीर टिक्का के चाहने वालों कहीं मत जाना, क्योंकि इस वीडियो में हम लेकर आए हैं 1300 रुपए का पनीर टिक्का फ्रॉम 5-स्टार होटल इंपीरियल और 1300 रुपए का ही पनीर टिक्का फ्रॉम 5-स्टार होटल ललित। अब भाई कहां के पनीर टिक्का में है, कितना दम, चलिए जानने के लिए करते हैं वीडियो शुरू हम। चलिए शुरुआत करते हैं इंपीरियल के पनीर टिक्का। भाई सबसे पहले इसका प्राइस देख लो आप, टैक्स मिलाकर है 1300। 1300 रुपए का पनीर टिक्का में तो सोच के कुछ दिल में होने लगता है यार, घर में बना लेते हैं भाई। 100-150 रुपए का पनीर आता है, उसके बाद आप उसको मसाला लगाओ, मैरिनेट करो और सीख में चढ़ा के बना दो, आपका 150 रुपए में पनीर टिक्का रेडी हो। ये इसके अंदर देखो हमारे 3 बॉक्सेस निकले हैं, 1, 2 और 3। इन बॉक्सेस में देख लेते हैं, इसके अंदर प्याज है ठीक है 10 रुपए, इसके अंदर चटनी है ठीक है 10 रुपए, और इसके अंदर पनीर टिक्का है, मतलब खजाना है खजाना। ओहो हो, सारे खड़े हो गए देखने के लिए, एक्साइटेड। तुम देखो पहले, मैंने अभी तक नहीं देखा, आप लोगों ने पहले देख लिया। ओ भाई ये सही जगह से पैकेज लाया ना भाई, इंपीरियल का पनीर टिक्का लाया ना, इंपीरियल ढाबा से तो नहीं लाया भाई। समझ के बोल रहा हूँ यार, दिल से बुरा लगता है भाई। ये है गाइस इंपीरियल का 1300 रुपए का पनीर टिक्का। ये क्वांटिटी कितनी कम है, 1, 2, 3, 4 100 ग्राम पनीर है एक सिर्फ और सिर्फ, और मेरे ख्याल से 50-70 रुपए रेट चल रहा होगा अभी 100 ग्राम पनीर का। 80 चल रहा है, 80 रुपए का। क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हैं हम इन चीजों, और भाई जल रखा है ये क्या है पता नहीं, अब टेस्ट में कैसा होगा वो तो अभी पता लगाते हैं, लेकिन शक्ल से तो भाई मैं बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं हूँ, और मेरे को ये देखकर खाने का मन तो कहीं से भी नहीं कर रहा, लेकिन आप लोगों के लिए ट्राई तो करना पड़ेगा, चलिए ट्राई करते हैं। टेस्ट इज गुड, लाइक ये जला हुआ नहीं है बल्कि ये मसाले हैं ऐसे, हाँ, और ये टेस्टी लग रहा है काफी। लेकिन भाई अगर आपको ऑनेस्टली बताऊं ना, 1300 रुपए में अगर ये कोई मुझे ऑफर करेगा तो मैं उसकी, लेकिन जहां तक इनकी चटनियों का स्वाद है, जो मैरिनेशन इन्होंने यूज करा हुआ है वो काफी हद तक टेस्टी है, और इस पनीर टिक्का के टेस्ट को ओवरऑल काफी टेस्टी बना रहा है। लेकिन चलिए अब देखते हैं इसका कंपेटिटर, इसका दावेदार, इसका दूसरा हमारा ललित, क्या इस पनीर टिक्का के टेस्ट को बीट कर पाता है, क्योंकि प्राइस तो बिल्कुल ही सेम है। तो चलिए बढ़ते हैं ललित के पनीर टिक्का की तरफ। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। चलिए गाइस ये है हमारा ललित का थैला, और भाई इसके अंदर है हमारा 1300 रुपए का पनीर टिक्का। एक तो यार इनका ये आलस मेरे को समझ नहीं आता, केवल एक डब्बा दिया है बस, थैला खत्म। हम ठीक है, ठीक कहा है, ना ही प्याज, ना ही चटनी, ना ही कोई और माल मसाला। क्या दुश्मनी है कि मेरे साथ, कुछ जानते हो क्या, कुछ कुछ राइवलरी है, पुराने जन्म का कोई नाता है हमारा, कोई भसड़ चल रही है क्या, क्या क्यों मेरे को ऐसा सर्व किया जाता है खाना। 1145 टैक्स मिला के 1300 के करीब का ये भी, और अब देखते हैं पनीर टिक्का की शक्ल। मैं चाहता हूँ मेरे से पहले ऑडियंस देखे, आप लोग देखो। This is nice. पिछली बारी तुमने शकल की बुराई करी थी तो टेस्ट बढ़िया निकला था, इस बार तुम शकल की अच्छाई कर रहे हो। अगर अपीयरेंस में पूछा, ये क्या, एक तो ये चार पीस का रिवाज क्या चल रहा है, क्या फैशन क्या है ये 1300 रुपए में चार पीस देने का, मतलब शर्म नहीं आती क्या। तो भाई शकल से पूछा जाए तो शकल में तो थोड़ा इंपीरियल के पनीर टिक्का को बीट कर दिया है ललित के पनीर टिक्का ने, लेकिन चटनी हमारे पास है नहीं किसी में डुबाने के लिए, डिप करने के लिए, तो हम ऐसे ही इसको टेस्ट कर लेते हैं। हाँ भाई ये 1300 वो गाय, मतलब वो होती होंगी जो, वो गाय नहीं होती जो जर्सी गाय। अबे तभी तो, और क्या रीजन है, क्यों क्यों, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, और आप कहां से पनीर टिक्का खाते हैं कमेंट करके बताइए। टेस्ट करते हैं, मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, मजा नहीं आ रहा है। ये फीका है बाबू, साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। ये पनीर टिक्का फीका है, चार पीस, एक तो केवल चार पीस 1300 रुपए के। भाई इस टेस्ट को मैं दूंगा 5 में से 0 नंबर, 5 में से 1 नंबर देते हैं चलो, क्योंकि थोड़ा बहुत हमें पनीर मिला ही है। और भाई इस वीडियो का क्लियर कट विनर बनता है हमारा इंपीरियल होटल का पनीर टिक्का। 5-स्टार के कंपैरिजन में काफी अच्छा था, लेकिन हर ओवरऑल कंपैरिजन में पूछो ना तो यहाँ पे पटियाला शाही देता हमारा 50-70 रुपए का पनीर टिक्का, उससे बढ़िया पनीर टिक्का नहीं खाया। वीडियो देखने में गाइस अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, कोई और टॉपिक का सजेशन हो आपके पास अगली वीडियो को तो कमेंट करके बताना, और मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग, टेक केयर गाइस, बाय।